की नगर पालिका टाउन हॉल में दूरदर्शन परियोजना द्वारा किया गया स्वास्थ्य कर्मियों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन वर्चुअल माध्यम से जुड़े परियोजना जयपुर के अध्यक्ष अभिमन्यु ने कहा कि कोरोना टीकाकरण के लिए हुए प्रयासों की गूंज लंबे अरसे तक रहेगी। दूरदर्शन की परियोजना के तत्वावधान में आज बुधवार को मिशन 100% कोरोना वैक्सीनेशन कार्यशाला आयोजित की गई। नगर पालिका टाउन हॉल फलोदी में हुई इस कार्यशाला में बाप व फलोदी ब्लॉक के स्वास्थ्य कर्मियों व दूरदर्शन कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस हर घर दस्तक 2.0 के अनुभवों पर हुई चर्चा। इस अवसर पर दूरदर्शन द्वारा 100 से भी अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर अभिनंदन किया गया। वर्चुअल माध्यम से दूरदर्शन जयपुर के अध्यक्ष अभिमन्यु ने संभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर दूरदर्शन के साथियों का कोरोना टीकाकरण के 100% लक्ष्य के करीब पहुंचने का प्रयास सराहनीय है। राजस्थान के पिछड़े इलाके रेतीले टीलों में जहां मौसम काफी मुश्किलें पैदा करता है, वहां कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना का टीका हर व्यक्ति हर घर तक पहुंचाया, यह काबिले तारीफ है। इस काम की गूंज लंबे अरसे तक रहेगी।